हेलो बच्चों, लास्ट टाइम वी डिड द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉड सर्व और कुछ एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग भी रहती है, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉड सर्व इज ऑपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट। कैसी सीट है? नॉन कंडक्टिंग है और इनफाइनाइट डायमेंशन की है। सीट का मतलब है टू डी ज्योमेट्री। तो यहां हमने पिक्चर में नॉन कंडक्टिंग सीट ली है हमने और उसका डायमेंशन कैसा है? इनफाइनाइट। कैसा बच्चों? इनफाइनाइट है। तो साइज अगर इसका इनफाइनाइट है तो इस पे चार्ज का एक्यूमुलेशन भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, हम इसको इनफाइनाइट की बजाय थोड़ा फाइनाइट की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सीट है, फाइनाइट सीट है, थिन है, नॉन कंडक्टिंग है। इज इट क्लियर? इसको हम इलेक्ट्रीफाइड कर लें, क्या कर लें? इलेक्ट्रीफाइड कर लें, चार्ज कर लें इसको। कैसे चार्ज करेंगे इसको? विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन मेथड, रबिंग मेथड। इसे इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लो या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालो, सीट विल बी इलेक्ट्रीफाइड। क्लियर? तो हमारे पास ऐसी सीट है, तो अगर आप इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे तो दैट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस में इसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होगा और उसी इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये इसका 2D पिक्चर है और ये इसका 1D पिक्चर है। 1D का मतलब है आपको ऐसे दिखाई देगी, तो ये जस्ट लुक्स लाइक ए लाइन। ठीक है बच्चों, तो गॉस फॉर्म अप्लाई करेंगे और गॉस फॉर्म अप्लाई करने से पहले स्पेस में जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहां से आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करना है। ठीक है जी, तो यहां पर गॉसियन सरफेस दैट शुड बी स्फेरिकल विद यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी, आई थिंक दैट शुड बी सिलेंड्रिकल। क्या होगा बच्चों? सिलेंड्रिकल होगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से एट पॉइंट पी। सीट के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या ड्रा करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम कैसा ड्रा कर सकते हैं? यहां पर दैट शुड बी सिमेट्रिकल और वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि एक सिलेंडर है जो सीट को पेनिट्रेट करके आर पार दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? लाइक दिस। अगर हम 1D में बनाएं तो 1D में कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ऐसा कुछ होगा 1D में। दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट दैट इज आर मीटर फार। सीट से कितना दूर है ये? पी पॉइंट आर मीटर फार। सिलेंड्रिकल है बच्चों, तो इसका सरफेस एरिया से एस है। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा चार्ज ग्रिड सरफेस एरिया। यानी बच्चों अगर ये एस मीटर स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा? एस। और एस मीटर सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है? सी क्यू। टोटल सीट पे तो इनफाइनाइट चार्ज होगा, लेकिन चार्ज कौन सा कंसीडर करना है? जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के द्वारा एनक्लोज है।
तो गॉसियन सरफेस का यहां पर देखेंगे ये सरफेस एरिया एस है, तो एस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज ले लिया हमने, क्यों ले लिया बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे यहां से कि हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस या सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस है जिसके तीन सरफेस है, एक ये है बच्चों, एक ये से दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड सरफेस एंड दिस लेटरल इज से थर्ड सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉस टर्म नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था। इस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्लोज सरफेस, दैट क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, TODS के द्वारा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे यहां पर, तो एक सरफेस ये, दूसरा ये और तीसरा लेटर, तो फर्स्ट सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, ये होगा ना। तो यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एस कितना होगा बच्चों, ई एस होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एस यानी सेकेंड सरफेस से कितना होगा, इससे भी ई एस होगा, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो से दिस सरफेस जिसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, से दिस इज एस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जीरो, ई डॉट एस दोनों बीच में कितना है 90 डिग्री, तो यहां कितना हो जाए जीरो और यह आ जाए क्यू, क्यू में फिट करेंगे सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल हो गया, देन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस दैट इज आर, आर पे डिपेंड नहीं करती, इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर अगर एरो लगाओगे तो यहां पर आप आर कैप दिखा सकते हैं, आर कैप पर आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, इज इट क्लियर, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो इस पावर के साथ इंट्रोड्यूस होगा विद पावर जीरो, इज इट क्लियर। अब यहां पर जो सीट है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड है, क्लियर। अगर ये सीट क्या होती, नेगेटिव चार्ज होती, तो फील्ड की वैल्यू तो उतनी रहती लेकिन फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ नहीं बेटे, इस तरफ हो जाती, समझ आ रही बात सबको, क्लियर। सो दैट ऑल अबाउट हियर, क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग थिक इनफाइनाइट सीट, ठीक थीक की जगह लिख देते हैं बच्चों, ठीक लिख देते हैं और नॉन की जगह कंडक्टिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीक कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट। तो यहां पर हम बनाते हैं स्केच, उसका कैसे हो सकता है, यू कैन ड्रा लाइक दिस, ऐसे बना सकते हैं हम, अगर इसको आप ठीक दिखाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा होगा बच्चों, कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, लाइक दिस,
ये भी एक सीट है लेकिन ये थिन सीट नहीं बेटे, कैसा है, थिक सीट है, जो जैसे कि नंबर ऑफ पेजेस से मिलकर भरी है। एक सिंगल पेज कैसा काम करता है, थिन सीट की तरह, जब भी सारे के सारे पेजेस एक तरह से ज्वाइंट होंगे तो ये थिन से क्या बन जाएगी, ठीक। लेकिन यहां पर ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, तो इसको आप क्या मान लोगे, कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग सीट है वो कैसी है, थिक सीट है। सो दैट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, से दिस पॉइंट इज पी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री लेट ड्रा द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहां पर भी कैसा होगा, आपका सिलेंड्रिकल। कैसा होगा बच्चों, सिलेंड्रिकल होगा। आप ऐसे दिखा सकते हैं लाइक दिस, राइट। सो दिस इज पॉइंट पी, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। सिमिलरली हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी सीट के इस साइड फील्ड आउटवर्ड रहेगी, सीट के इस साइड फील्ड आउटवर्ड रहेगी, ठीक है जी। इसका सरफेस एरिया एस ले लो बेटा, ये सरफेस एरिया भी कितना है, एस होगा, और चार्ज इस सरफेस एरिया के अंदर कितना है, क्यू। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सीट इनफाइनाइट है तो चार्ज की वैल्यू भी क्या आएगी, इनफाइनाइट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने गॉस थ्योरम में कौन सा चार्ज कंसीडर करना होता है, जो चार्ज गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। तो यहां गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया अगर एस ले लेता हूं मैं, यानी सीट का सरफेस एरिया एस ले लेता हूं, उसके अंदर कितना चार्ज है, फॉर दैट क्यू। तो सिग्मा इज द सरफेस एरिया सी दैट क्यू बाय सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, यस एस की बजाय यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, टू एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, टू एस लिखेंगे, क्योंकि जैसे ये सीट है इसका इस तरफ एरिया कितना इंक्लोज हुआ है, एस, इस तरफ भी कितना एरिया इंक्लोज हुआ है, एस। पहले तो सीट थीम थी, बोथ साइड बिहेव लाइक ए सिंगल। थीम सीट के केस में तो आप देखेंगे कि अगर इस तरफ से इलेक्ट्रिफाइड करोगे सीट को, तो उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इस तरफ अपीयर होगा। तो यहां तो सिंगल सरफेस एरिया देंगे, लेकिन यहां पर सीट कैसी है, थिक सीट है आपकी, तो सरफेस एरिया एस इस तरफ राइट साइड में, और एस ही सरफेस एरिया लेफ्ट साइड का देंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय टू एस, और वैल्यू ऑफ द चार्ज इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टू एस बनेगी। यूजिंग गॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, गॉसियन सरफेस से। गॉसियन सरफेस कौन है यहां, सिलेंडर। सिलेंडर की कितने सरफेस है, वन टू एंड थर्ड वन। तो तीनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर कर लेंगे, दैट विल बी टोटल। फर्स्ट से लेंगे बच्चे कितना, ई एस। सेकेंड से लेंगे तो हमारे पास ई एस, और इससे लेंगे लेटर से, लेटर से लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ बैठे, सरफेस एरिया वेक्टर सरफेस के राइट एंगल बनेगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेटर सरफेस एरिया। क्यों भी वैल्यू फीड करेंगे, सिग्मा टू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर कितना बच्चों, टू ई एस दैट इज इक्वल टू सिग्मा टू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। टू एस से टू एस कैंसिल हो गया हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन केस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इज इट क्लियर। इस मीन दैट कि सरफेस के कंडक्टर पर, जो कंडक्टर उसके सरफेस पर और कंडक्टर के नजदीक फील्ड की वैल्यू करेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, आर पे डिपेंड नहीं करती है ये भी। तो ये फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। कैसा फील्ड है बेटे, कांस्टेंट फील्ड है। अगर ग्राफिकली इसको देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ लेंगे, तो दैट विल बी लाइक दिस, ऐसा कर्व बनेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, इज इट क्लियर, समझ आ गई। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ई वेक्टर, तो पहले क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और फिर क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर से
आर कैर वेक्टर इनडायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर आर। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर? एनी डाउट? सो टुडे वी डिस्कस द एप्लीकेशन, आई मीन टू मोर एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। वन इज द फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट। तो आप इनको पढ़िएगा और इनको लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इनको आप पढ़ेंगे, चेक करेंगे। कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखेंगे इसको, और इस चीज को आप प्रैक्टिस के अंदर लेके आएंगे। इज इट क्लियर? क्लियर? सो दैट ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।